अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ वली दाद खान एंड यू वॉचिंग टेक्नो वली यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि OLX पर स्कैमर जो है वो किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो क्या कुछ जो है वो आपने ध्यान में चीज़ें रखनी है। सबसे पहले जो आपकी सिटी होती है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं कंप्यूटर पर यहाँ पर कंफर्टेबल हूँ इसलिए डेस्कटॉप से कर रहा हूँ। आप ये चीज़ें मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, मगर मोबाइल फ़ोन पर जो आपकी OLX की ऐप है वही सही तरीके से काम करती है। ब्राउज़र के थ्रू या क्रोम के थ्रू अगर आप जो है वो OLX को ब्राउज़ करेंगे तो कुछ सारा जो है आपको मज़ा नहीं आएगा उसमें। यहाँ पर मैंने अपनी सिटी सेलेक्ट कर ली। तो अब ज़्यादातर जो स्कैम होते हैं वो या तो मोबाइल फ़ोन्स में होते हैं, स्मार्टफोन्स में होते हैं, और या तो जो है वो जानवरों वगैरह में, पेट्स वगैरह में होते हैं। अब इसकी दो रीज़न्स हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो बंदा एक सिटी से दूसरी सिटी मंगवाने के लिए तैयार होता है, बड़ी चीज़ें नहीं होती, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा स्कैम्स इनमें आते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है वो एक गोट का लिख देते हैं, ठीक है, मतलब बकरी। तो ये बाकी चीज़ें भी आ गई अंदर। आजकल जो है वो आपको पता है कुर्बानी वगैरह का वो है सीन है। तो इसमें मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसके लिए जाते हैं। जिस तरीके से ये है राजनपुरी जोड़ा 130 लिखा हुआ है, इस पे हम गए, क्लिक किया, इसने तमाम चीज़ें की हुई है। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, अगर ये देखें तो इसमें इसने ये नहीं कहा कि होम डिलीवरी हो जाएगी, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेलर जो है वो ठीक है। अब आपने जो है ये खलील अहमद इसका नाम है, इस पर आप टैप करेंगे इसके यूज़र पर, तो आपको यहाँ पर जो है वो ये एड्रेस वगैरह इसका बता रहा है, मेराबादी इस्लामाबाद। तो इसका मतलब ये जेन्युइन बंदा है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं, फाइंड करते हैं किसी स्कैमर को। ये लिखते हैं इस तरीके के, जो है वो काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर ठगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ गई है यहाँ पर, तो इसने यहाँ पर जो है वो मुजफ़्फ़राबाद कॉलोनी कराची का जो है वो लोकेशन दी हुई है, और यहाँ पर बताया हुआ है कि फुल एक्टिव और हेल्दी वगैरह। अब दोबारा हमने यूज़र के ऊपर क्लिक करना है और इसकी प्रोफाइल देखनी है। ये बंदा भी यहाँ पर जो है वो जेन्युइन है, ठीक है। अब देखते हैं कि स्कैमर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं सामने, लेकिन अब वीडियो जब बनाने का वक्त आया तो शायद थोड़े से मिसिंग है। इसको दोबारा भी देखते हैं हम। अब आईफोन का देख लेते हैं, iPhone 10 देख लेते हैं, iPhone 10 आ गया। अब ये देखिए ज़्यादातर जो है वो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने iPhone लिखा तो आपके सामने ये जो इसके स्क्रीनशॉट हैं या आप कह लीजिए थंबनेल जो आ रहे हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, ये आप देखिए तमाम एक ही आ रही हैं, ठीक है। कोई सा भी वो हम सेलेक्ट करते हैं तो इसने एक ही इमेज लगाई हुई है जो कि इसने इंटरनेट से उठाई हुई है, और इसने यहाँ पर जो है वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपने नोट करने यहाँ पर लिखा होता है कि फ्री होम डिलीवरी या पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी, तो वो तो है ही पक्का स्कैमर। अब जाएंगे हम इसकी प्रोफाइल पर, प्रोफाइल आपने मस्ट विज़िट करनी है। तो आप देख सकते हैं कि दो इसने ऐड लगाए हैं, एक लेतरार रोड इस्लामाबाद का लगाया और एक जो है वो बच एग्जैक्टिव विलाज मुल्तान लगाया, तो इसका मतलब ये फ्रॉड है, ठीक है। इसने ऐड को टारगेट किया हुआ है। जब भी आप इससे कॉन्टैक्ट करेंगे ये आपको अपनी सिटी का नाम सही तरीके से नहीं बताएगा। अगर इस्लामाबाद का है तो आपको कराची बताएगा, कराची का है तो इस्लामाबाद बताएगा। तो इस तरीके से ये आपसे पहले पैसे जो है वो एंठेगा और उसके बाद जो है वो आपको ब्लॉक कर देगा। तो कुछ इस तरीके से जो है वो आपने देखना है। आई होप कि मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ। आज ज़्यादा स्कैमर मुझे जो है वो मिले नहीं है, वैसे हर जगह पर ये जो है वो आपको OLX पर देखने को मिल जाते हैं। कोई भी ऐड हो, ऐड खोलना है अपने, और इसके बाद जो है यहाँ पर देखना है जो डिस्क्रिप्शन होती है, अगर इसमें लिखा हुआ है डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान, तो इसका मतलब है कि 50% वो जो है वो चांसेस है कि वो बंदा जो है फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपने जाना ये जिस तरीके से OLX यूज़र है, इसने अपना नाम नहीं दिया हुआ, यहाँ पर नाम भी आता है, आपने सिर्फ जो है वो क्लिक करना है, इस पर इसकी प्रोफाइल आ जाएगी, और आपने फिर देखना है कि किस किस लोकेशन से इसने ऐड डाले हुए हैं। हो सकता है कि ये वाला बंदा जो है शायद जेन्युइन भी हो, हो सकता है मुल्तान इसका गांव हो और इस्लामाबाद के यहाँ पर लगाया हो, लेकिन आप अगर ये देखेंगे कि इसने आईफोन 8 भी लगाया हुआ है और आईफोन 10 भी लगाया हुआ है और अलग अलग लोकेशन से लगाया हुआ है, तो इसमें भी थोड़ा सा फ्रॉड का अंसर है। हम 100% तो नहीं कह सकते, मगर आपने इससे जो है वो बच कर रहना है इस तरीके के ऐड से, और ज़्यादातर जो है वो आपने उनसे बचना है जो कि लोकेशन जो है 5-6 ऐड उन्होंने डाले होते हैं, कभी कभी फ़ीचर भी किए होते हैं। फ़ीचर क्या होते हैं जनाब, फ़ीचर क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से आपने कोई भी ऐड सर्च किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आईफोन का ही कर लेते हैं, आईफोन का हमने यहाँ पर ऐड सर्च किया, तो इसमें जो ऊपर फ़ीचर आ रहे होते हैं फ़ीचर्ड ऐड,
तो ये लोग भी जो है वो काफ़ी जो है फ्रॉड करते हैं, यहाँ पर थोड़े से पैसे देते हैं तो इसकी वजह से जो है वो इनके जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब इंप्रेशन ज़्यादा आते हैं। तो ये बंदा तो मुझे जेन्युइन लग रहा है, लेकिन देखते हैं। हाँ जी, आप ये देख सकते हैं कि ये बंदा जो है वो जेन्युइन है। इसकी जितनी भी लोकेशन जिसने डाली है, आई टेन इस्लामाबाद, तो ये कोई डीलर है जो कि मोबाइल फ़ोन का काम करता है, कोई दुकानदार है। मगर इसने जो लोकेशंस हैं वो ये न्यू कटारिया रावलपिंडी भी I-10 के पास है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बंदा जो है वो यहाँ पर सीरियस है। तो दो चीज़ें आपने देखनी है, एक डिस्क्रिप्शन देखनी है और फिर प्रोफाइल विजिट करनी है मस्ट आपने, और देखनी है कि उसने अगर और कुछ ऐड लगाया हुआ है तो उसमें लोकेशन का घपला तो नहीं है। और इसके अलावा अगर जो है उसने ज़्यादा ऐड लगाए हुए हैं मगर वो कहता है कि वो आपकी सिटी से है, तो फिर तो कोई इसमें एतराज़ नहीं है। मगर अगर आप कोई चीज़ ऐसी मंगवा रहे हैं जो कि आप जो है वो दूसरी सिटी से मंगवा रहे हैं और उसको आपने एडवांस पेमेंट करनी है, तो आपने ये चीज़ें मेक श्योर कर लेनी है। तो दोस्तों, ये थी शॉर्ट सी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए थे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।